सोमवार को जिला उपायुक्त देवेश कुमार को विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसके चलते उपायुक्त देवेश कुमार को शॉल और टोपी भेंट करके स्वागत किया गया। इस मौके पर उपायुक्त देवेश कुमार को पारंपरिक वाद्य यंत्रों से विदा किया गया। विदाई समारोह के बारे में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपायुक्त देवेश कुमार को फूलों की माला पहनाकर वाद्य यंत्रों की धुन के साथ स्वागत किया गया। इस विदाई समारोह के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उपायुक्त की अच्छी कार्यप्रणाली की प्रशंसा की गई और उनका धन्यवाद किया गया। इसके साथ ही उपायुक्त की सराहना करते हुए हिमाचल सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। निसंदेह जो उपायुक्त महोदय ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए हैं वो इतने सराहनीय हैं, इतने प्रशंसनीय हैं कि जिनका वर्णन जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आज हिमाचल सरकार ने इनका नाम जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सर्वोच्च डिग्री है, मास्टर डिग्री है, उसके लिए जो है चयन किया है। और हमारी ये खुशी की बात है कि हमारे जिला की ओर से जो है माननीय उपायुक्त महोदय जो है उस प्रशिक्षण को ग्रहण करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इस विदाई समारोह का धन्यवाद करते हुए उपायुक्त मंडी ने बताया कि जिले की कार्यप्रणाली का आधार जनता पर ही निर्भर करता है, जिसके कारण इस कार्यप्रणाली का आभार जनता ही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की जो प्रेरणा थी और आप लोग निरंतर इस ओर भी प्रयासरत रहे, एक चीज होती है कि स्वयं कार्य करना, एक होती है कि कार्य करवाना। मैं कई बार इस स्थिति में रहा कि आप लोगों ने आकर के मुझसे आग्रह कर करके मेरे से कार्य करवाए, जितना श्रेय आप मुझे दे रहे हैं उससे ज़्यादा श्रेय आप सभी को, और मैं धन्यवाद भी करता हूँ आप सभी का। छोटा सा समय है, लौट करके फिर मिलेंगे, छोटा सा स्टेट है, अच्छा कार्यप्रणाली हम डेवलप करें, जो भी हम समाज को दे सकते हैं वो दें और एक सुंदर इस जिले और राज्य का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें।